रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। बस्ती उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की जानिब से बाज़ाबादकारी की मांग पर DRM को अरदास सौंपी गई। इसकी क़यादत जिला तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने किया। एहतजाज कर रहे लोगों को मुखातिब करते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि रेलवे बिना नोटिस दिए यहां बरसों से रह रहे लोगों को हटने को कह रही है। कोरोना के वक्त में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे और क्या खाएंगे। तो 40-50 बचर धरे आसानसोल किछु एलाकाय मानुष बसबास करछेन जेगुलो रेलर एलाका, किंतु प्राय 40-50 बचर धरे एरा घर बाड़ी बनिए माने टालीर घर अनेकेर एसबेस्टरेर घर एई धरनेर घरे तारा बसबास करछेन गरीब मानुषरा। आज के करोनार महामारीर प्राय एक बचर धरे अनेके कर्महीन हये पड़ेछेन, अनेकेई एदेर मध्ये एर ओर घरे केउ बासन माजे केउ रान्ना करे एई धरनेर लोकेरा ओखाने बसबास करे। हठात् आमरा देखलाम जे साउथ इस्टार्न रेलवे एवं इस्टार्न रेलवे थेके तादेरके उच्छेद नोटिस करा होच्छे एवं ई करोना महामारीर समय जखन अर्थनैतिकभावे एवं सामाजिकभावे मानुष विपर्यस्त हये गेछे, गरीब मानुषदेर खावार ठीक नेइ, তারা তাদের পরিবারকে নিয়ে কিভাবে আগামী দিনে বেঁচে থাকবে তার ঠিক নেই, সেই সময় রেলের কর্তৃপক্ষ মানে তুগলকিভাবে এবং স্বৈরাচারী এই কর্তৃপক্ষ তারা তাদেরকে সেই ঘর থেকে উচ্ছেদ করার নোটিশ দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজকে উচ্ছেদ প্রতিবাদ কমিটি আজকে DRM আসানসোলের কাছে আমরা এই প্রতিবাদ নিয়ে এসেছিলাম। আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং আমরা বলেছি যে বিনা কোনো পুনর্বাসনে ছাড়া এখান থেকে মানুষকে সরানো যাবে না, আগে পুনর্বাসন দিতে হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারপরেই অন্য কোনো চিন্তাভাবনা যাতে তারা করে। তাই আমরা এটাও তাদেরকে বলে দিচ্ছি, যদি এতে আমাদের এই ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম এতে যদি কাজ না হয় আমরা আগামী দিনে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে শুরু করে অনশন পর্যন্ত আমরা করব, আমরণ অনশন, এবং আমাদের প্রত্যেকের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা কিন্তু এর লড়াই করব, এর প্রতিরোধ করব, এর প্রতিবাদ করব। আজকে যখন মানুষের এই অবস্থা করোনার সময় অনেকের বাড়িতে তাদের আত্মীয় বিয়োগ হয়ে গেছে, অনেকের বাড়িতে করোনায় আক্রান্ত মানুষ রয়েছে, সেই সময় এই ধরনের নোটিশ দেওয়া মানে অমানবিক ব্যাপার এবং সেই অমানবিক কাজটা আজকে রেলের কর্তৃপক্ষ করছে। এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা আজকে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমরা আগামী দিনে এই প্রতিবাদ আরো বৃহত্তর করব যদি এতে কাজ না হয়। এই মহিলারা যখন সব কান্নাকাটি করছে, তাদের ঘর বাড়ি চলে যাচ্ছে, আজকে তারা বারবার এই উচ্ছেদের নোটিশ এই সময় করছেন, এর প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে DRM অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি। দিদি মাইনরিটি কা দম ভরতি হ্যায় পর NRC আর CA কে খিলাফ তহরিক চালানে ওয়ালো পর কেস কিয়া জাতা হ্যায়। आज आसनसोल कोर्ट में बेल कराने आए MD मुस्तफा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं इस रैली में शामिल भी नहीं था, फिर भी हम पांचों के खिलाफ केस किया गया। वहीं मुस्तकीम सिद्दीकी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये केस किया गया था। MD सलाउद्दीन ने कहा कि उस रैली में TMC के नेता भी शामिल थे, पर निशाना सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ पार्टियों के रहनुमाओं को बनाया गया। याद हो कि इंसाफ इंडिया के बैनर तले NRC और CA के खिलाफ 13 दिसंबर 2019 को एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया था। फिर इसी तंजीम के जानिब से काजी नजरुल बाग के नाम से मंसूब धरना दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, NRC और CA के जो दीदी दम भरती है, खासकर तृणमूल कांग्रेस के लोग, जो लोग अकेलेती और माइनॉरिटी का रक्षक और माइनॉरिटी के बारे में बात करती है, हम आज उन लोग से पूछना चाहते हैं जो लोग
इलेक्शन का समय, वोट का समय, ममता बनर्जी और जिंदाबाद और माइनॉरिटी का दम भरती है। हम पूछना चाहते हैं कि नैयर भाई कौन है, मुस्तकीम सिद्दीकी कौन है, शरोबीन भाई कौन है, वसीम अकरम कौन है, क्या ये माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं? तो आज जो हम लोग साथ जुल्म हुआ या हम लोग जो केस खाए, इसका जवाब का वो तीनों के जो जो नेता लोग इलेक्शन का टाइम आते थे उसका जवाब दे पाएंगे? NRC या CA प्रोटेस्ट करना और उसके खिलाफ में आकर लड़ाई लड़ना आकर जुर्म है। चूँकि मैं उस सभा में नहीं था, मैं अपना एक पार्टी का आंदोलन में प्रोग्राम में था 13 दिसंबर का, चूँकि मुझको भी इससे जोड़ दिया गया तो मैं इसको गिफ्ट समझ करके रखता हूँ और आने वाला चुनाव में इसको जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे कि यही है माँ माटी मानुष की सरकार जो निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करती है। और अगर मुस्लिम समाज का दबा कुचला बात को अगर लड़ा लड़ने के लिए सड़कों पर आती है तो उसको जेल का हवालत खिलाने के लिए देती है, तो शुक्र हो इस जज साहब का जो इंसाफ की लड़ाई में जज साहब ने आज हम लोगों को बेल दिया। हम लोग धन्यवाद देते हैं कानून को, चूँकि इंसाफ अभी भी जिंदा है और इंसाफ इंडिया तहरीक के लिए हम लोग बैनर के तले लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग इस कोर्ट के माध्यम से आज हम लोग को बेल मिला है। क्या है कि जब देश भर में CA NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो 13 दिसंबर 2019 को शहर आसनसोल में भी हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली एक पीसफुल रैली थी, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, फिर भी हम लोगों पे 5 लोगों पर CA NRC की रैली को निकालने की वजह से एक सोची समझी नीति के खिलाफ आसनसोल नॉर्थ थाना आसनसोल साउथ थाना ने एक मुकदमा दर्ज किया था जिसका FIR नंबर था 466/19। अभी जब चुनाव आने वाला है तो इस मुद्दे को उठाया गया, हम लोगों को पता चला, हम लोग आज कर सकते हैं। तो आज क्या न्याय में क्या हुआ? आज बेल मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्तकीम सिद्दीकी है। कोर्ट से जो हम लोगों के खिलाफ में 2019 13 दिसंबर को जो NRC और CA के खिलाफ में पूरे मुल्क में जब तहरीक चल रही थी, तो आसनसोल के पैमाने में भी इंसाफ इंडिया के बैनर के तले में तवारीख बनाते हुए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया था उस NRC CA के खिलाफ में। लेकिन अफसोस की बात कि तृणमूल की पुलिस ने, तृणमूल की सरकार ने एक साजिश के तहत उसमें 5 लोगों का जो नाम दिया है, तमाम के तमाम लोग अपोजिशन पार्टी के कर्ता धरता है, जबकि उस रैली में काफ़ी तादाद में तृणमूल के मुस्लिम नुमाइंदे भी शामिल थे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत अपोजिशन के लीडरों को जेल, या जो तृणमूल की पॉलिसी रही है कि अपोजिशन वालों को तरह तरह के झूठे मुकदमे में फंसा कर उनको कमज़ोर करने की जो साजिश है, वही साजिश रची गई थी। हम लोग भी उस ये में अड़े थे कि हम लोगों को बेल नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि इलेक्शन अनकरीब है इसलिए थाना से जो हम लोगों को फ़ोन आया कि नहीं आप लोग बेल ले लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट के वारंट इशू होगा, तो हमारे जो इस तहरीक से जुड़े थे सेक्टर कुंडू साहब, उनके ये में आज हम लोगों को बेल मिला है। लेकिन ये लड़ाई हम लोग यकीन के साथ कह सकते हैं कि साजिश के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। NRC CA के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन हम लोग इसके लिए करने के लिए तैयार। आपका नाम? मोहम्मद सलाजुद्दीन। नियामतपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 13 फरवरी को आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें 35 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए थे। कल शाम आसनसोल के पुनार दृष्टि आई हॉस्पिटल में 30 लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया गया। आज नियामतपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से उन तमाम मरीजों को इस्तकबाल दिया गया और उनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। इस सिलसिले में तंजीम के सदर जाकिर हुसैन ने हमारे नुमाइंदे को जानकारी देते हुए कहा, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रेसिडेंट नियामतपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन, वार्ड नंबर 59। 13 तारीख को हम लोगों के लिए आय का कैंप लगवाए थे, जिसमें से 165 मरीजों का जांच हुआ, जिसमें 35 ऐसे मरीज पाए गए जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें से अभी 20% का ऑपरेशन हुआ, जिसका हम लोग 23 तारीख को ऑपरेशन, पहली ऑपरेशन हुई, दूसरी 27 तारीख को ऑपरेशन है। जो पहले ऑपरेशन जो हुआ 23 तारीख को, उस पेशेंट को हम लोग आज यहाँ पर अपने निवास में लाने के बाद सबको, अपने अपने परिजनों को साथ में हम लोग उसको हैंड ओवर कर दिए और सब खुशी खुशी से अपने अपने घर गए हैं। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाए लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का।
यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वेराइटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेज और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी आसनसोल नियर बस्तीन बाजार। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। अगर आप हैं चिकन खाने के शौकीन और ट्राई करना चाहते हैं चिकन के अलग अलग डिशेस जैसे फ्राइड चिकन, चिकन स्ट्रिप्स, हॉट विंग्स या फिर चिकन सैंडविच, कबाब या बिरयानी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अफजल फ्राइड, हाटन रोड नियर इंडियन स्पोर्टिंग क्लब, अफजल फ्राइड चिकन। यहां आपको चिकन के अलग अलग डिशेस के साथ कई तरह के कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, साथ ही फ्राइडे 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट, अफजल फ्राइड चिकन इज बेस्ट। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल, तो फिर इस बार ईद में छा जाए, इसराइल के कलेक्शन अपना है, इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, बस्तीन बाजार रोड आसनसोल। खबर सामने आई है, यहां तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी कारकुनान को पीटने का इल्जाम लगाया गया। बमबारी, गोलीबारी, झड़प और खूरेजी पहले से ही अपना एक मकाम यहां रखती है। इस बात की गवाही खुद यहां की तारीख देती है। जब जब कुर्सी के लिए चुनाव हुआ तब तब मुद्दों से कहीं ज्यादा झड़पों पर चर्चा किया है बंगाल ने। ये घटना सलानपुर पुलिस स्टेशन के तहत डाबर मोड़ इलाके में हुई थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी तरह से इस घटना में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें मीडिया से इस पूरी घटना की जानकारी मिली है। ये भाजपाइयों की अपनी कोई निजी वजह हो सकती है जहां से बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस घटना में जख्मी दो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। बीजेपी पश्चिम बर्दवान जिला के यूथ सदर अरिजीत राय ने जिला अस्पताल का दौरा किया है। सब चेची चेची गेलो मारबो 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 ऐसे ने सब गाड़ी धार करी यार। ओके ओ सीरियस आज तू जाई सब छोड़ दू पहुंची आनी छोड़ देना बोलो बोलो लॉटरी टिकट दुकान छोड़ सब जाने सब बांधा धरे सब किछु करे आछे सब सिस्टम ए कोने नियेस एखन दादा पैसा नै एखने 40-50 जन लोग आमी की करते पारी एकाय छिलो लोग जरा मारामारी सब चैनपुरे छिलो जॉइन करो লোক ছিল চিনিতে মোটামুটি আমি জানি মনে চেনপুরে লোক ছিল তার মধ্যে সব ভোলা সিংহ লোক ছিল আমার নাম নন্দ কিশোর এর আগে ওই দেখো ওখানে ওই তো ওই আগে 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 দাদা আগে আরো আছে
কিছুই না। আপনারা কালকে দেখেছেন যে আমাদের এখানে শুভেন্দু অধিকারী, বাবুল সুপ্রিয় এবং অর্জুন সিংয়ের যে মহারালি ছিল, বারাবণী থেকে একটা বিশাল সংখ্যায় মানুষ এই মহারালিতে যোগদান করেছিল এবং সেটা থেকেই তৃণমূল আতঙ্কিত যে এলাকায় তৃণমূলের বারাবণী সন্ত্রাস প্রবণ বরাবরই আমি বলেছি, কিন্তু এখন তৃণমূলের এই সন্ত্রাসের কাছে মানুষ আর মাথা নত করছে না। ও মানুষের মধ্যে ভয় ভীতি ভেঙে গেছে, শয়ে শয়ে মানুষ বেরিয়ে আসছে। এর থেকে যে এদের এই আতঙ্ক, আমি যেটা আগেও বলেছিলাম, এই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বিজেপির প্রতি, বারাবণী রুরাল এরিয়া গ্রামীণ এলাকা, গ্রামের থেকে শয়ে শয়ে মানুষ বেরোচ্ছে, এই ভয় ভীতির থেকে এই আক্রমণগুলো করছে। সন্ধেবেলায় রূপনারায়ণপুরের মধ্যে যে কার্যালয়টা ছিল সেখানে 50-60 জন বাইক বাহিনী, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, ওইখানকার তৃণমূলের গুন্ডা ভোলা সিংয়ের নেতৃত্বে এই হামলাটা করেছে এবং এটা আগে থেকেই ওদের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। এর আগেও এক দুবার ওইখানে চেষ্টা করেছিল। এই যে অনুপ চৌহান, যার গুরুতর জখম, এবং অজয় প্রসাদ বলে আমার কর্মীর পার্টির কর্মী, ওর হাতটা এমনভাবে ভেঙে একদম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তো সংগঠন যে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে বারাবণীতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে, আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, দেখবেন মানুষের আশীর্বাদ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি থাকবে এবং এই যে হারের একটা আশঙ্কা, এই হারের আশঙ্কা থেকে এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষ যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ না করে, ভোটের সময় যেন তাদের ভোটের সেই প্রতিফলন না হয়, সেই জন্য এখন থেকে শুরু করেছে। তাই আমি এই ঘটনা থেকে আমি অবিলম্বে বলবো প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে এবং সামনেই নির্বাচন কমিশনকে এর মাধ্যমে আমরা বলবো এই সমস্ত সেন্সিটিভ যেগুলো এরিয়া বারাবণী বিভিন্ন প্রান্তের, এইগুলো আরও আপনাদেরকে একটু সজাগ হতে হবে এবং আশা রাখবো যে মানুষ যেন তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, এইভাবে সন্ত্রাস করে মানুষকে আটকানো যাবে না। নিশ্চয়ই এই তো ঘটনাটা জাস্ট হয়েছে, আগে ওনাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, অফিসটাও ভাঙচুর হয়েছে, মানে টার্গেট ছিল এদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার, কিন্তু যা কোনো রকম ওইখানে, যেহেতু ওইখানে বেশ জনবহুল এলাকা, তো হামলাটা শুরু করার পর যখন আশেপাশের মানুষ বাজার এলাকায় বেরিয়ে এসছে তখন ওরা বাইকগুলো চালিয়ে পালিয়ে গেছে। তো এর থেকে আমি বলবো আগামী দিনের নির্বাচনে এই অত্যাচারের প্রতিফলন আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস এবং ওইখানকার বিধায়ক পাবেন এবং আপনার পরাজয় নিশ্চিত। বারাবণীর বুকে আপনি এই অত্যাচার করলে মানুষই আপনার জবাব, আর দু মাস পর বিধানসভা নির্বাচন আপনার। আধাসামরিক বাহিনীকে প্রকৃত যেগুলো সেন্সিটিভ এরিয়া, যেখানে সন্ত্রাস প্রবণ এরিয়া, সেখানে রুট মার্চ করাতে হবে এবং সেটার জন্যই আমরা উচ্চতর নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমাদের মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে জানিয়েছি, এর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের এই আসানসোল লোকসভার যেগুলো সেন্সিটিভ জোন সেগুলোতে খুব তাড়াতাড়ি রুট মার্চ চায়, কারণ এরা নির্বাচনের এই আগে থেকে এই সন্ত্রাস করে মানুষকে ভয়ভীতির সৃষ্টি করছে, যাতে গ্রামীণ এলাকার মানুষ না বেরোয়, যাতে ভোটের সেই প্রতিফলনটা ভোটে গিয়ে না পড়ে। এরা জানছে যে মানুষের যে জনরোষ তৃণমূলের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে, 5-10 বছর ধরে, সেই জনরোষের এই ফলই এইবারে হবে এবং তার জন্য আমি আগেই বলেছি আমাদের কার্যকর্তারা প্রস্তুত এই লড়াইয়ের জন্য। এটা হবে, খেলা হবে নাকি এটা? এই তৃণমূল, এই তো খেলা শুরু, ও তো যখন আক্রমণটা করেছে খেলা হবে করে আক্রমণ করেছে, তো এই থেকেই বুঝতে পারছেন এই যে খেলা হবে ওদের ট্যাগলাইন, ওদের স্লোগান, এটাই তার প্রমাণ, এইটাই খেলা হচ্ছে। এই খেলায় বাংলার মানুষকে ওরা দেখাতে চায়, যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে করেছে, লোকসভা নির্বাচনেও কিছুটা পেরেছিল, আবার চাইছে যে এই শেষ যে লড়াই, যে ওদের কফিনে শেষ পেরে পোতা হবে 2021-এর এই পরের মাসের নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচনে, তার আগে এদের খেলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ প্রতিরোধ করবে, এরাও প্রতিরোধ করেছে, আপনারাও দেখতে পাবেন গ্রাম বাংলার মানুষ এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করবেই করবে এবং আগামী 2021 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পশ্চিমবঙ্গে হবেই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না, তাতে তৃণমূল যতই অত্যাচার করুক। सीसीआर के तहत रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में T10 टेनिस बॉल क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। ये मुकाबला 23 तारीख से शुरू हुआ था, 28 फरवरी को इस मुकाबले का फाइनल मैच खेला जाएगा। सीसीआरसी के मेंबर प्रभास सिंह ने कहा कि इनके क्लब की तरफ से पहली बार इस मुकाबले का इनेकाद किया गया है। इस मुकाबले में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम को 75,000 और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 की रकम दी जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, कमलेश सिन्हा का स्थिति में करवा रहे हैं। कितना साल हो रहा है ये? तो पहला साल है कमलेश सिन्हा का स्थिति में करवा रहे हैं। किसका शुरू हुई ये? 98 से CCRC ऑर्गेनाइज किया है। अभी अपडेट वही 23 तारीख से शुरू हुई है और 28 को सेम फाइनल और फाइनल है। जीतने वाले का क्या प्राइज है? जीतने वाले को 75,000 का इनाम दिया जाएगा और जो रनर रहेंगे, हाँ रनर जो रहेंगे वो 50,000 का हकदार रहेंगे। विनर 75,000। टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट किए हैं
अच्छा टीम पार्टिसिपेट किया ऐसे तो क्षेत्र के हिसाब से देखा सारा लोकली क्षेत्र का हिसाब है, लेकिन जो हमारे जो खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं वो सभी जो पार्टिसिपेट किए हैं, कोई कोलकाता से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, मैंने सारे सारे क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं खेलने के लिए। यंग जनरेशन को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक का जो डिमांड हो गया है उस क्षेत्र से निकाल के थोड़ा सा इसमें क्रिकेट का जो प्रांगण है। बस यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098418 7688 22128। आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ, स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी के बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे, टेस्ट ऐसा कभी खाया ना हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9800378870 एंड 9144852265। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें, सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।